सो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप की ऐसी तीन टिप्स और ट्रिक्स को जिनको मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप नहीं जानते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं टेक्नो अदनान यूट्यूब चैनल। सो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हाउ टू अनबॉक्सिंग रिव्यूज और टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, बिल्कुल इसी वीडियो की तरह। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त की तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। सो ट्रिक नंबर वन हमारे पास मौजूद है व्हाट्सएप के ऊपर राइटिंग के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम व्हाट्सएप के अंदर सिर्फ सिंपल राइटिंग में ही राइट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के अंदर बोल्ड में, टैलिक में, स्ट्राइक थ्रू और मोनो स्पेस में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारी टिप नंबर वन। सो व्हाट्सएप के ऊपर बोल्ड में लिखने के लिए सबसे पहले जिस सेंटेंस को आपने बोल्ड करना है उसको आपने नॉर्मली टाइप कर लेना है। जब आप उस सेंटेंस को टाइप कर लेंगे तो उस सेंटेंस के सबसे स्टार्ट में और सबसे एंड में आपको एस्ट्रिक का यूज़ करना है, जिससे कि आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो उसको इटैलिक करने के लिए आपने उसके स्टार्ट में और उसके एंड में अंडरस्कोर को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। इसी तरीके से टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आप उसके स्टार्ट में और एंड में टिल्ड का यूज़ करेंगे। सो सेकेंड ट्रिक जो हमारे पास मौजूद है वो है डेटा यूजेज के हवाले से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने वाईफाई के ऊपर ही अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग अपने डेटा के ऊपर अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उनका बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो कॉल में चले जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ या फिर ऑडियोज़ होती हैं जो वो डाउनलोड करना नहीं चाहते और वो खुद ब खुद ही डाउनलोड हो जाएंगी। सो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए और अपने डेटा की यूजेज को कम करने के लिए हम व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, ये करने के लिए टिप नंबर टू आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो मोबाइल डेटा के ऊपर ऑटो डाउनलोडिंग रोकने के लिए सबसे पहले आपने सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद डेटा एंड यूजेज में, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जो जो चीज़ें आपको ऑटो डाउनलोड नहीं करनी आप उनको अनटिक कर सकते हैं, वो आपके डेटा को आपकी यूजेज के बगैर डाउनलोड नहीं करेंगी। और इसी के सबसे नीचे आपको एक लो डेटा यूसेज का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप इस ऑप्शन को ऑन कर लें ताकि आपका जो कॉल के ऊपर डेटा है वो कम यूज़ हो और आप अपना डेटा सेव कर सकें। सो थर्ड ट्रिक जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारी स्टोरेज के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल में स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम होती है और ज़्यादातर स्टोरेज उनके व्हाट्सएप ने घेरी हुई होती है। सो आपके व्हाट्सएप ने आपकी कितनी स्टोरेज घेरी हुई है और आप उसको किस तरीके से खाली कर सकते हैं, ये मदद करेगी आपकी ट्रिप नंबर थ्री। सो ये देखने के लिए कि व्हाट्सएप ने आपकी कितनी स्टोरेज यूज़ की हुई है आपको सबसे पहले चले जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद डेटा एंड यूजेज में, और फिर आपने चले जाना है स्टोरेज यूजेज में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका तमाम डेटा यहाँ पे मौजूद है कि आपने किस चैट के ऊपर कितना डेटा यूज़ किया और आपकी कितनी स्टोरेज भर चुकी है इस चैट की वजह से। सो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि आपकी कितनी स्टोरेज व्हाट्सएप ने फिल की हुई है और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी चैट क्लिकेबल होती हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर आपने ये चैट डिलीट कर दिया, इससे कोई भी मीडिया या वीडियो डिलीट कर दी, तो आप वो रिकवर नहीं कर सकते। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की तीनों ट्रिक और आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।